अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबीन विलेज आइडिया। आज की वीडियो के अंदर आपको तिलों की अपडेट देते हैं। माशाल्लाह जी, फसल लगाई हुई है तिलों की, तकरीबन 3.25 एकड़ तिल काश किए हुए हैं। ये तिल है जी TS5, फूल वगैरह इसके लग चुके हैं। इसकी जो खुराक है वो नाइट्रोफॉस्फेट NP, वो हमने तकरीबन 2 बोरी डाली हैं और उसके साथ 1 बोरी यूरिया की डाली है। इंशाल्लाह बाद में और खाद डालनी है। तो पहला पानी हमने पहले लगा लिया था, लगा के पानी पहले खाद डाल के ऊपर पानी लगा लिया था, ठीक है। तो अब दूसरा पानी लगा रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और आज हमने सल्फ़र का इस्तेमाल किया है, तो लेकिन जो बिल्कुल सही तरीका है वो कोशिश करें पहले पानी पे भी सल्फ़र लगाएं, ठीक है, डालें तिलों के अंदर, और दूसरे पानी पे भी सल्फ़र डालें। इससे जो पौधे हैं माशाल्लाह वो अच्छी नशोनुमा पाते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह फूल वगैरह लगना स्टार्ट हो गए हैं, चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह। ये है जी तिली TH5, चेक करें माशाल्लाह। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। तो सल्फ़र लाजमी डालें, और जब भी तिल काश तिल या तिली काश करें वत्तर ज़्यादा होना चाहिए। इधर हमारे साथ ही घर के बिल्कुल साथ तकरीबन उन्होंने 6 से 7 एकड़ काश की हैं तिल, तिली वो भी TH5 है, लेकिन वत्तर कम था जिसकी वजह से उसके यानी उगाव था वो बहुत कम हुआ है। तो इसलिए चाहिए सब दोस्तों को कि जो वत्तर है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह हमारे यहाँ इसका वत्तर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। ये जी तिली माशाल्लाह बहुत ही VIP, इंशाल्लाह जल्द तैयार हो जाएगी, फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह, VIP ज़बरदस्त। तो आप भाइयों, जिन भाइयों ने तिली काश्त तिल या तिली काश्त की, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी काश्त की है और क्या सूरत हाल है। मैं आपको आज मुकम्मल दिखाता हूँ। ये जी 2 एकड़ प्लाट सामने, 1 एकड़ वहाँ है। ये देखें यहाँ भी तिली काश्त की गई है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिली काश्त की गई है, चेक करें। किसी किसी जगह जो हैं घने ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा यानी कि पतले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा घने दरमियाने होने चाहिए, तेल हो जाए या तिली हो जाए। तिली काश की करें, तिली का फ़ायदा ये होता है कि तिली की जो औसत है वो बहुत ज़्यादा होती है तिल की नस्बत, ठीक, क्योंकि जो तिली होती है ये शाखों वाली होती है, शाखदार होती है, ठीक। इसका फ़ायदा यही होता है, तिली जब शाखदार होगी, इसकी टहनियाँ ज़्यादा होगी, इसके ऊपर जो फल है वो ज़्यादा लगेगा माशाल्लाह। ये देख सकते हैं फल लगना स्टार्ट हो गया, मैं अभी आपको दिखा था, ये देख सकते हैं आप, मुकम्मल आपको रिव्यू करवाता हूँ। ओके जी, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।